हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में रजनीश किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लाहौरी स्टाइल चिकन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हमने 1 kg चिकन को अच्छी तरह धो के रख दिया है। तो उसमें हम सबसे पहले 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, उसी के साथ दही कुछ 3 से 4 चम्मच, फिर हम उसके बाद 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे रॉ स्मेल हटाने के लिए। फिर हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, उसी के साथ 1/2 चम्मच गरम मसाला। आगे हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 3/4 स्पून यूज़ किया है नमक का 1 kg चिकन में। फिर हमने इसे अच्छी तरह मिक्स करके हमने मैरिनेट कर दिया। हम इसे अब 1 घंटे के लिए रेस्ट में रख देंगे फ्रिज में। 1 घंटे बाद हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 कप ऑयल यूज़ किया है। फिर हम जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो हम इसमें डाल देंगे। हमने एक ही बारी में सारा चिकन डाल देंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें इसे 50% कुक करना है, मतलब सेमी कुक करना हमें इसमें। तो हमने इसमें कुछ इसे 10 मिनट के लिए ही भूनना है हमने इसमें। तो आप 10 मिनट बाद देखेंगे कि आपके चिकन ने वाटर रिलीज कर चुका होगा और ये 50% कुक हो चुका है। तो फिर हमने इसे एक कंटेनर में या आप ऐसे ही किसी कढ़ाई में रख दें इसे ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें हमने यहाँ इस स्टेज में सिर्फ 50% कुक करना है और 50% कुक हम इसके मसाले के साथ करेंगे इसे कुक। तो अब हम कढ़ाई में फिर से 1/2 कप ऑयल डालेंगे। अब हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। इसे हम कुछ 10 से 11 सेकंड के लिए सिजल होने देंगे तेल में। उसके बाद हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 से 4 सेकंड बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने पतला पतला लंबा लंबा काट के रखा है। प्याज को हमने कुछ 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसे आप मिक्स करते रहें। 10 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच हमने पहले डाला था मैरिनेट करते समय और अब डालेंगे हम 1 चम्मच और। फिर हमने लहसुन को भूनना है कुछ 6 से 7 मिनट के लिए, लहसुन अदरक अच्छी तरह भून जाए। तो लहसुन और अदरक अब अच्छी तरह भून चुका है जैसे आप देख रहे हैं। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। ये 3 बड़े बड़े टमाटर की प्यूरी है। अगर आप छोटे टमाटर यूज कर रहे हैं तो आप 4 टमाटर ले लें, अगर बड़े टमाटर हैं तो 3 ही काफ़ी है 1 kg चिकन में। तो इस टमाटर की जो हमने अब डाला है इसको हमने अच्छी तरह भूनना है जब तक सरफेस में ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, उसी के साथ लाल मिर्च का पाउडर 3/4 स्पून क्योंकि हमने मिर्ची का पाउडर पहले भी डाला था, और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मिर्च और नमक है आप अपने थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से बैलेंस करें। फिर हम इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच। तो अब हमने नमक डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करना है।
तो फ्रेंड्स अब हमने इसे कुछ 10 से 15 मिनट के लिए भूनना है या जब तक टमाटर के सरफेस में ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं टमाटर की सरफेस में ऑयल अब अच्छी तरह हमें दिख रहा है, तो जो हमने चिकन ऑलरेडी कुक करके रखा था 50% हम उसको डाल देंगे, और जो थोड़ा सा वाटर भी था चिकन का तो हम वो भी डाल देंगे इसमें। तो अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मसाला अच्छी तरह इवनली चिकन में फैल जाए। तो अब हमने भी चिकन को अब 10 मिनट के लिए भूनने देना है फिर से। तो इसे आप ढक के रख दे किसी प्लेट से या उसके कवर से प्लेट कढ़ाई की। अब जब आप 10 मिनट बाद देखेंगे चिकन जो है अब अच्छी तरह हमारा भुन चुका है। आप इस टाइम पे चेक भी जरूर करें कि चिकन अगर आपका अच्छी तरह नहीं कुक हुआ है तो इसे आप फिर से 5 मिनट के लिए ढक के रख दें। तो चिकन अब हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो चुका है, तो हम अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे, या पानी आप अपने हिसाब से कर ले एडजस्ट। पानी डालने के बाद हमने इसे कुछ 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करना है। सात से आठ मिनट के बाद बॉईल होने के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। तो जो चिकन है अब वो अच्छी तरह बन के तैयार हो चुका है। अब हमने लास्ट में इसमें बस धनिया, कुछ पत्ते पुदीना के और हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे। इसमें पुदीने का भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, तो आप फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई करके देखें। थोड़ा सा हमने 5 से 6 पत्ते पुदीने के भी डालेंगे, और हरी मिर्च का कच्चा फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए आप हरी मिर्च भी लास्ट में ही डालें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी लाहौरी स्टाइल चिकन बनके तैयार हो चुका है। तो हम आपको टेस्ट करके भी बताएंगे कि ये कैसा बनके तैयार हुआ था। जैसे आप देख रहे हैं चिकन कितना सॉफ्ट अच्छी तरह कुक हो चुका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।